वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर वन का एग्जाम जो कि 3 और 5 मार्च 2020 को हुए थे उसके जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आगामी बिहार एसएससी इंटरमेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि बिहार एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि वो सेंट्रल एसएससी के कुछ क्वेश्चन को अपने एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं या फिर उसके आसपास से पूछते हैं, तो इसलिए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ साथ बिहार दरोगा मेंस और इन्फोर्समेंट एसआईपीटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा 50 क्वेश्चन का जो आज सेट होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और नया है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आयोग के द्वारा ही दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोहा, बेरियम, प्लेडियम या टंगस्टन का। तो उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजनेशन में किया जाता है किसका, प्लेडियम का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य ह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, भूमि, पूंजीगत वस्तुएं, तैयार माल या चल रही कार्य के लिए। तो ये जो होगा मूल्यह्रास किसके लिए है, पूंजीगत वस्तुओं के लिए। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था, मोहम्मद गौरी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अहमद शाह दुरानी के द्वारा या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, पहली छिन्नागिंत महिला का नाम बताएं। देखिए इसका जो ऑप्शन है, अरुणिमा सिन्हा है, अंशु जम सेम्पेंगा है, उसके बाद प्रेमलता अग्रवाल है और पूर्णा मालवत है। देखिए ये जो प्रश्न है ये पहली छिन्नागिंत महिला और इसका उत्तर है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह एक खिलाड़ी थी, एथलीट थी और इनका पैर कट गया था और ये चढ़ी थी। ठीक है ना, तो इस लिहाज से अरुणिमा सिन्हा इसका है क्योंकि वो पैरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में लोहा का अयस्क नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेटाइट, ये दोनों लोहा का अयस्क है लेकिन क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्यूपराइट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों की कुल कितनी छवियां बनेंगी। तो दर्पण के बीच छवि जो बनने का क्या क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आपके देखिए आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर जो आयोग के द्वारा दिया गया है वो दिया गया है 4.2, इतनी ये छवि बनेंगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद कोस फंड डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला के खाते में रखा गया था, किंगडम बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बटरफील्ड प्राइवेट बैंक या नेशनल वेस्टर्मिंग बैंक, नेशनल वेस्टर्मिंग बैंक। देखिए ये प्रश्न बहुत ही फेमस था हाल ही फिलहाल का, ये करंट का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हैदराबाद का जो 300 करोड़ का जो संपत्ति था इस पर केस चल रहा था, तो ये फिर भारत के पक्ष में फैसला आ गया था। तो इसको किस बैंक में रखा गया, तो इसको रखा गया था नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में। ठीक है ना, ये फेमस क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में किया गया था। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, पटना के आसपास जो नालंदा महाविहार है 2016 में उसको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था, और इससे पहले जो बिहार का जो एक और स्पॉट किया गया था वो 2002 में किया गया था महाबोधि मंदिर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है, ग्रैंड नहर, सुजो नहर, कोथरिंग नहर, कील नहर। तो ग्रैंड नहर चीन में जो है विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना। महाबलीपुरम, ये भी देखिए आपको करेंट से इसको जोड़ा गया है, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 5 रथ का चर्चा क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी का मुलाकात हुआ था। तो 5 रथ मंदिर महाबलीपुरम में किसके नाम पर है, तो पांडव, पांचों पांडव के नाम पर हैं, जिसमें कि धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमरथ, अर्जुन और नकुल सहदेव के नाम पर एक ही रथ है, दोनों को एक ही रथ नाम दिया गया था। और पांचवा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है, तो इसका उत्तर द्रौपदी रथ हो गया पारा का। 13वां प्रश्न देखते हैं कि डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या ओडिशा में स्थित नहीं है, तो मयूरभंग हाथी रिजर्व है, महानदी हाथी रिजर्व है, संबलपुर हाथी रिजर्व है, लेकिन ये सोनितपुर हाथी रिजर्व नहीं है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था प्रारंभ करने की तैयारी में है, 2020, 2023, 2022 और 2021। तो इस प्रश्न का उत्तर 2021 हो गया, करंट का क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए, ये आप लोग को पता है कि 1960 में किए गए थे, लेकिन कब? डेट सही, देखिए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है, डेट सही, तो 19 सितंबर 1960 को किया गया था, तो इस लिहाज से भी ये बिल्कुल नया क्वेश्चन बन गया है, डेट सही। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, देखिए वैसे तो गोल्डन सिटी के रूप में अमृतसर को दिया जाता है नाम, लेकिन ये राजस्थान के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो जैसलमेर इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मुंबई में है। इसमें दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता है, देखिए जो सैफ है, सैफ का जो महिला का जो खिताब है, भारत ने लगातार 5वीं बार जीता है, तो ये करंट तो क्वेश्चन। 20वां प्रश्न, डैश दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, पायस, पारधातु मिश्रण, एंजाइम या विलयन, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन, विलयन को कहा जाता है, दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के अवसर में ये घोषित किए जाते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, 338 का बी, 328 का ए, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 338 का ए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो इस आधार पर इसका उत्तर जो दिया गया है आयोग के द्वारा 338 का बी दिया। नंबर 23, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है, तो भाग 8 संबंधित है किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से इसका संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा किया जाता है, आय विधि, व्यय विधि और तीसरा क्या है, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि द्वारा, ठीक है ना, तो ये भी जो है इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, घातक रक्त अल्पता जिसको कि एनीमिया कहा जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12, इसका आंसर हो जाएगा, इसको साइनोकोबालमिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, पांडु रोग और एनीमिया इसके कारण होता है। अब हम 3-3-2020 का जो एग्जाम हुआ था SSC CGL Tier 1 का, उसके क्वेश्चन को देखेंगे जी। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, कांच, द, जिप्सम या चूना पत्थर, तो इसका उत्तर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 और इसका हो जाएगा 2H2O, इसी को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, यहाँ पर वाटर है तो इसी को जिप्सम कहा जाता है, यदि यहाँ पे H2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका थी, है ना, बड़े गुलाम अली खान, नजिया खान, बेगम अख्तर, नुसरत फतेह अली खान, देखिए चारों का संबंध इसी से गायन से संगीत से है, लेकिन नुसरत फतेह अली खान बहुत ही फेमस थी, तो इसका उत्तर आयोग ने नुसरत फतेह अली खान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है, तो 746 वाट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, किस किस का, नेपाल, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका, तो श्रीलंका का ये कड़ी बात है ना, श्रीलंका का है कड़ी बात, डैश का चावल का व्यंजन है जिससे श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, संयुक्त राज्य अमेरिका भेज चुका है, चीन भेज चुका है, रूस भेज चुका है, भारत नहीं भेजा है, हालांकि भारत का जो गया था 1983 में राकेश शर्मा वो गए थे, लेकिन रूस की सहायता स्वतंत्र रूप से नहीं किया था, भारत का गगनयान मिशन अभी पाइपलाइन में है। राष्ट्रीय परिचायिका दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाई जाती है, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बार्टन या एलिस वॉकर, तो इसका उत्तर फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा, बहुत फेमस है इनका। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, रंजन सोटी, गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, और अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय भी थे जिन्होंने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे कौन थे, विष्णुगुप्त, जबकि इसके प्रथम सम्राट जो संस्थापक थे वो कौन थे, श्रीगुप्त। क्वेश्चन 9, डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पाद संस्थान सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, पूंजीवादी, मिश्रित, दोहरी या समाजवादी, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था का एक अंग है और इसी के अंतर्गत आपको ये जो होते हैं सभी उत्पाद संस्थान सरकार के स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2019 तक डैश भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था, ईरान से नहीं हो रहा था, सऊदी अरब से भी नहीं हुआ और संयुक्त अरब अमीरात से, ईरान से तो बिल्कुल अभी बंद हो चुका है और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से होता है, लेकिन सबसे बड़ा था वो कौन था, इराक था, तो इसका उत्तर इराक हो जाएगा। लमस भाग है, मज्जा भाग है, पांच भाग लेखन कर्णपालिका, कान का भाग है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा,
करंट पर लिखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तो लियोनचेन लोटेरेशिंग, ठीक है ना। इसका उत्तर 12 का ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर्दे और दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, कौन करती है? स्थूकन, कबूकर्णिका, कर्णवात या कान की हड्डियां? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबूकर्णी, यूस्टेकिनियन नलिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था, कर, हलविकार, हिरण्य या शुल्क? देखिए प्रश्न और नाम आंसर से भी इसका आंसर क्लियर हो, नाम से भी इसका आंसर क्लियर हो जा रहा है, हलवी कर, ठीक है ना, हल के लिए लगाया जाने वाला कर हलवी कर था। क्वेश्चन नंबर 15, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, जबकि बिंदुसार किसके थे? तो मौर्य वंश के थे। रंगीन तामचीनी वाले आभूषण में खांचे या उत्कीर्णन पर लेपन करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, चिकनीकारी नहीं, ये मिट्टी के बर्तन वाले संबंध में हो गया, जरेदारी कपड़ा से हो गया, फूलकारी ये भी बर्तन वगैरह से हो गया, लेकिन मीनाकारी, आभूषण का संबंध इसे मीनाकारी से हो गया। तो 16 का उत्तर हमारा 3 मीनाकारी दिया गया आयोग के द्वारा। क्वेश्चन प्रकाशित करता, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा इसको पेश किया जाता है और प्रत्येक बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेन सांग ने सम्राट डैश के शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे, जबकि इनसे पहले जो आए थे फाययान वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अक्टूबर 2019 में डैश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, ब्रजेश पटेल, सौरव गांगुली, जयेश जॉर्ज या जय शाह को? तो जय शाह को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, जबकि सौरव गांगुली कौन है? तो सौरव गांगुली अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश शहर यांगची नदी के मुहाने पर स्थित है, तो इसका उत्तर शंघाई हो जाएगा, चीन का शहर शंघाई जो है ये यांगची नदी के मुहाने पर स्थित है। ल्यूसीफर, ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक नाम है, देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन बन के आ गया, क्वेश्चन वो है पुराने क्वेश्चन को एक नए रूप में परिवर्तित करके लाया गया है, ल्यूसीफर शुक्र ग्रह ग्रह का एक नाम है, ठीक है। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चीन सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर चीन हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, जिसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मैदान जो है पोलो मैदान वो पाकिस्तान में, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संदूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 23 अप्रैल 2014 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रक बोर्ड इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुने गए, और 7 मई 2019 को 5 वर्ष 2020 से 25 की अवधि के लिए परिषद द्वारा दोबारा चुने गए भारतीय का नाम बताएं, तो वो कौन से हैं? तो इसका नाम है जगजीत पवाड़िया को चुना गया है, नारकोटिक्स, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा इनको चुना गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने आज 50 क्वेश्चन के सर को देखा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, ये कम्बिनेशन है इजी, मॉडरेट और नए क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को आप देख लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।